हाय फ्रेंड्स, साई साईनाज किचन्स में आप सबका स्वागत है। आज मैं बांगड़ा मसाला रवा फ्राई बताने जा रही हूँ। ये बांगड़ा है, इसको साफ कैसे करना वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए इसको कैसे साफ करना बताती हूँ। ये उसके सर के पास जो ये है, इसको इस तरह से दोनों साइड से इस तरह से काट के, ये जो अंदर साइड में जो ये ब्लैक पार्ट्स रहता है उसके पास थोड़ा सा ऐसा कटिंग करना है। उसके बाद उसके अंदर से ये जो रहता है ब्लैक कलर, ये थोड़ा कड़वा रहता है, इसको निकालना है। और इसके आँख दोनों निकाल के ये वाले पार्ट्स कट करना है दोनों साइड। पीछे उसके दुम को भी थोड़ा कट करना है। अच्छी तरह वॉश करना है। चाकू से बीच में कट लगाना है। जब मसाला हम लोग भरेंगे अंदर तक मसाला का टेस्ट जाएगा ऐसे कट डालने से। ऐसे कट डाल के इसको अच्छी तरह वॉश करके मसाला लगाने के वक्त मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इसको भी पीछे से जो है ये भी कट करना है, ये दोनों साइड ऐसे कट, बस इस तरह बीच में तीन कट लगाना है। मसाला जब भरेंगे अंदर तक टेस्ट जाएगा। चलो फ्रेंड्स, अभी मैं मच्छी को साफ करके रखी थी ना, इसको मसाला लगा लेती हूँ। ये मसाला गोवन स्टाइल मसाला है, इसका रेसिपी आगे मैं शेयर करूंगी आपके साथ। अभी इस मसाले को इसके ऊपर अच्छी तरह लगा के आधा घंटे के लिए रखना है। पहले थोड़ा सा नमक थोड़ा लगाना है, क्योंकि नमक इसमें भी मैं डाली हूँ, थोड़ा नमक इसमें कम ही लगाना है। थोड़ा सा नमक लगा के अच्छी तरह अंदर तक नमक अंदर तक जाने तक थोड़ा नमक लगाना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज्यादा नहीं, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को भी थोड़ा सा अच्छी तरह इसके ऊपर कोट करना है। उसके बाद ये मसाला जो मैं बना के रखी हूँ इसके ऊपर स्प्रेड करना है। ये मसाले को इसके ऊपर स्प्रेड करना है अच्छी तरह हाथ से। ये बांगड़ा पे मसाला को लगाना है अंदर तक, जो कट लगाई हूं मैं उसके अंदर भी ऐसे अच्छी तरह लगा के आधा घंटे के लिए रखना है। ये मच्छी मसाला का रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी, मैं घर पे बनाई हूँ ये मसाला। ये गोवन स्टाइल मसाला है, गोवा का फेमस फिश फ्राई मसाला। चलिए ये मसाला को मैंने अच्छी तरह कोट किया है। अब इस फिश को मैं आधा घंटा के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ, उसके बाद फ्राई करना दिखाती हूँ आपको। चलो अभी आधा घंटा हो गया है फिश को मैरिनेट करके। इसके ऊपर अभी रवा लगाएंगे, ये बारीक रवा है, इसके ऊपर बारीक रवा को इसके ऊपर लगा के फ्राई करेंगे। रवा लगा के फ्राई करने से क्रिस्प होता है, अच्छा लगता है फिश। दोनों को रवा लगाएंगे ऊपर से।
रवा लग चुका है, अभी फ्राई करेंगे। अभी गैस ऑन करके फ्राई करने के लिए एक पैन चढ़ा रही हूँ। पैन में थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ फ्राई के लिए। तेल गरम होने दो। तेल गरम होने के बाद फिश को इसमें डालेंगे फ्राई के लिए। तेल गरम हो चुका है, अभी ये फिश को तेल में डाल दें। गैस को मैंने फास्ट ही रखा है, अभी एक साइड पलटेंगे। एक साइड पलटने के बाद थोड़ा सा गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पे दो तीन मिनट हो चुके हैं, एक तरफ से पलट के दूसरी तरफ फिर से पलटूंगी इस तरफ। देखो कितना अच्छा क्रिस्पी फ्राई हुआ है। और थोड़ी देर, दो तीन मिनट के लिए और थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। फिश फ्राई हो चुके हैं, अब फिश को मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मेरा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। थैंक यू।